how are you all i hope you all are doing good today we are going to study sense organs window to the world we already know we have five sense organs they help us to sense the world around us we will know sense of vision sense of smell sense of touch differently abled people sense of hearing sense of taste how do we know if it is daytime or night हाउ डू वी नो इफ द फूड इज स्वीट और शोर वाई डू वी ड्रॉप अ होट पैन फ्रॉम आर हैंड ओके हमें कैसे पता चलता है कि रात है या दिन है हमें किसी भी फूड के टेस्ट का कैसे पता चलता है हमें कैसे पता चलता है कि जो पैन हमने पकड़ा है वो तेज गर्म है या नॉर्मल है ओके वी कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चन इफ वी अंडरस्टेंड वट सेंस ऑर्गन आर एंड वट फंक्शंस दे परफॉर्म आइज ईयर्स नोस ट एंड स्किन आर आवर सेंस ऑर्गन्स दे हेल्प अस टू फील द वर्ल्ड अराउंड अस, दे आर ऑर्गन्स फॉर साइट हियरिंग स्मेल एंड टच देखिए जो क्वेश्चंस अभी पूछे गए उन सबके आंसर्स हमें तभी पता चल सकते हैं जब हमें ये पता हो कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं ठीक है आइज़ ईयर्स नोज टंग स्किन ये सब क्या होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनके थ्रू हम देख सकते हैं सुन सकते हैं स्मेल कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं और टच कर सकते हैं मतलब के फील कर सकते हैं ओके ऑल द सेंस ऑर्गेन्स सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन्स थ्रू मिलियंस ऑफ नर्व्स

They help us to see various shapes, colours and movements around us. Eyelids prevent the dust and other particles from entering our eyes. We can express our feelings and emotions through our eyes. Eyes help us to read newspaper books and watch TV. Take. आइस जो है वो हमारा सेंस ऑर्गन होता है ये हमें देखने में हेल्प करता है ठीक है हम इससे शेप्स कलर्स साइजेस मूवमेंट जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा होता है वो सारी चीज़ें हम देख पाते हैं आईलिट्स जो हैं वो हमारी आइस को प्रोटेक्ट करती हैं कोई भी डस्ट जाने से ठीक है हम अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर पाते हैं इमोशन एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी आइस की हेल्प से हम आइस से रीड कर सकते हैं और टीवी या मोबाइल फोन्स यूज कर सकते हैं देख सकते हैं ओके लेट्स नो एंड इनवर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी सी इज फॉर्म इन साइड द आईज द ब्रेन हेल्प टू सी इट अपराइट देखिए एक इन्वर्टेड इमेज है जो हम अपनी आंखों के थ्रू देखते हैं लेकिन हमारा हेल्प जो है हमारी जो हेल्प है वो हमारा ब्रेन करता है कि हमें क्या चीज़ दिख रही है और वो क्या चीज़ है ओके सेंस ऑफ स्मेल नोस इज द ऑर्गन for detecting various smells the openings of the nose are called nostrils the smell enters the nose थ्रू दीज नो स्ट्रिल्स द मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन बाय द नोज एंड दैन ब्रेन टेल्स अस इट इज़ गुड और फाउल स्मेल देखिए नोज हमारा एक ऑर्गन होता है जिसके थ्रू हम लोग स्मेल कर पाते हैं ओके okay? हमारी जो स्मेल है वो हमारी नोस्ट्रिल्स के थ्रू जाती है और नोस्ट्रिल्स के थ्रू जब हमारे स्मेल जाती है वो हमारी ब्रेन तक पहुँचती है तब हमें पता चलता है कि ये जो स्मेल है वो अच्छी है या बुरी है ओके पोस्ट डू blindfold your friend you can invite more friends to place different things with various fragrances before him her if he she able to detect the fragrance you can give points also for the same yeah because se a sense of hearing ears are the sense organs of hearing different sounds they help us to understand pleasant and unpleasant sound a part of the ear help in maintaining the balance of the body also we must not use sharp objects to clean our ears ears warn us of dangers like car horns while crossing the road or barking of dogs the message of the sound is sent to the brain we get instructions from the brain how to react to different sounds Okay. ears एक सेंस ऑर्गन होता है इसके थ्रू हम सुन सकते हैं ओके हम जो भी साउंड हम सुनते हैं वो हमारी ब्रेन तक जाती है और उससे हम फिर ये डिसाइड कर पाते हैं कि वो जो साउंड है वो प्लीजेंट है या फिर हार्श है ओके ईयर्स हमारी हेल्प करते हैं जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो कोई भी कार अगर सामने से आ रही है उससे बचने के लिए हमारी हेल्प करते हैं ओके कोई डॉग अगर बाग कर रहा है तो उससे बचने के लिए हमें अटेंशन अटेंटिव करते हैं ओके okay? हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए ओके सेंस ऑफ टच स्किन इज द ऑर्गन फॉर टच इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आर बॉडी इट अस टू सेंस हॉट कोल्ड स्मूथ रफ हार्ड एंड सॉफ्ट सेंसेशंस इट प्रोटेक्ट्स द एंटायर बॉडी इट ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय स्वेटिंग

ऑर्गन होता है इससे हम सेंस कर सकते हैं होट कोल्ड स्मूथ रफ हार्ड सॉफ्ट किसी भी तरीके की सेंसेशन को ओके ये हमारी एंटायर बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है जो स्वेट है वो हमारी स्किन के थ्रू ही बाहर आता है ओके ये हमारी बॉडी को सेफ भी रखता है हमें इंस्ट्रक्शंस भी देती है स्किन जो है हमें इंस्ट्रक्शंस देती है कि किस टाइप की जो भी चीज़ें हैं हम टच कर रहे हैं okay now sense of taste tongue is the organ for taste the taste buds on the tongue help us to differentiate between sweet salty bitter or salt taste tongue help us to speak it also help in mixing the saliva with the food help in digesting it the sense of smell and taste go together when we smell something good our brain sends a message to our mouth and it starts watering on the other hand a bad smell puts us off देखिए टंग जो है ये भी एक सेंस organ होता है इसके थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं टंग के थ्रू हमें हर एक टाइप के टेस्ट का पता चलता है कि वो सॉर है स्वीट है सॉल्टी है किस टाइप का टेस्ट है स्पाइसी है ओके okay? अब टंग से जब हम कोई भी चीज़ टेस्ट करते हैं तो हमारी ब्रेन तक जाती है और हमें उस टेस्ट का पता चलता है हमारी माउथ में जो सलाइवा होता है वो फूड को च्यू करने में हमारी हेल्प करता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है टंग हमें बोलने में स्पीक करने में हमारी हेल्प करती है ओके नाउ लेट्स नो ऑल द काइंड ऑफ टच आर नॉट प्लीजेंट सम ऑफ देम मेक मेकअस फील अनकंफर्टेबल डोंट कीप इट अ सीक्रेट इफ़ समवन गिव्स यू अ बैड टच इन्फॉर्म योर टीचर्स और पेरेंट्स एज दे विल कीप यू सेफ एंड साउंड देखें हर टच जो होता है वो प्लीजेंट नहीं होता है कुछ टचेस जो होते हैं वो आपको अनकंफर्टेबल भी फील करा सकते हैं अगर कोई आपको इस तरीके से टच करे कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप इसके बारे में अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को जरूर बताएं आप जब बताएंगे तो आपको वो सेफ एंड साउंड सेफ एंड साउंड फील कराएंगे ओके डिफरेंटली एबल्ड पीपल देर आर मैनी पीपल हुज बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली दे आर स्पेशल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके के लोगों को हम स्पेशल या फिर डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं ओके पीपल हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड एंड पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर स्पीच इम्पेयर्ड सच पीपल कम्युनिकेट विद हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज देखिए पीपल जो लोग सुन नहीं सकते हैं उन्हें हियरिंग इम्पेयर पीपल कहा जाता है और जो बोल नहीं सकते हैं उन्हें स्पीच इम्पेयर पीपल कहा जाता है ओके okay? इस तरीके के जो लोग होते हैं वो साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं वी शुड बी सेंसिटिव टू वर्ड्स द डिफरेंटली एबल्ड पीपल वी मस्ट कम फॉरवर्ड टू हेल्प दैम वी मस्ट सपोर्ट दैम होल हार्टेडली वी मस्ट नॉट पिटी दैम और शो आर सिंपथी टूवर्ड्स दैम दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी जस्ट एज वी ऑल आर वी मस्ट हेल्प देम टू लीड अ नॉर्मल लाइफ विथ डिग्निटी देखिए इस टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें हमें हेल्प करनी चाहिए उन्हें सिंपत्ति नहीं दिखानी चाहिए हमें उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो भी सोसाइटी का पार्ट है जिस तरीके से हम सोसाइटी का पार्ट हैं ओके okay? मैनी पीपल आर इनसेंसिटिव टूवर्ड्स नीड्स ऑफ सच पीपल दे थिंक दैट सच पीपल आर एबनॉर्मल बट दिस इज नॉट ट्रू मैनी पीपल लाइक हेलिन केलर लुइस ब्रेल एंड मार्ला रॉन्ग हैव प्रूव देअर कैपेबिलिटीज इन स्पाइट ऑफ बींग डिफरेंटली एबल्ड देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस टाइप के जो जो लोग होते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो होते हैं उनकी तरफ इनसेंसिटिव होते हैं हमें ऐसे एबनॉर्मल पीपल्स की तरफ इनसेंसिटिवली बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सच नहीं होता है कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं जैसे कि हेलिन के लिए डिफरेंटली एबल्ड पीपल थे और इन्होंने प्रूव करके दिखाया था कि इनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है नॉर्मल लोगों से ओके लेट्स नो द विजुअली इम्पेयर्ड यूज अ स्पेशल स्क्रिप्ट कोल्ड ब्रेल इट हैज डीज डोट्स विच कैन बी फेल्ट विद फिंगर and help them to read. It was invented by Louis who हेल्प देम टू रीड इट वॉज इन्वेंटेड जिनको प्रॉपरली नहीं दिखाई देता उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट ओके ब्रेल स्क्रिप्ट जो है इसकी इन्वेंशन खुद ही लुइस ब्रेल जो कि खुद विजुअली uh, इंपेयर थे उन्होंने की थी ओके okay? Helen Adams Keller was born on June 27, 1880, as normal as any other child. At the age of 19 months, she developed an illness due to which she lost her sense of sight of hearing. Her teacher Annie Sullivan, who herself was visually impaired, helped her to learn to communicate. She wrote the letters on Helen's hand and arm for her to understand the word. Helen became the first deaf blind people person to attain a bachelor's degree in arts. She was an author, a political activist, and a lecturer. She decided her life, she dedicated her life for improving the conditions of blind and the deaf blind around the world through her speechless lectures. They Helen Keller a teacher. नॉर्मल थी लेकिन जब वो नाइनटीन ईयर्स की हुई उसके बाद वो उनकी जो हियरिंग कैपेबिलिटीज़ थी वो लूज़ होती गई तो जो उनकी टीचर्स थी वो विज़ुअली इम्पेयर थी उन्होंने उसकी हेल्प की प्रॉपरली स्टडीज़ में आगे बढ़ने के लिए वो फ़र्स्ट लेडी थी जिन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट की थी और उसके बाद उन्होंने वो ऑथर बनी और उन्होंने बुक्स लिखी ओके okay? वो एक लेक्चरर थी Okay, she instilled new courage into these special people. The Bollywood movie Black was largely based on Keller's story from her childhood to her graduation. Keller changed the world's opinion about the capacities of differently abled people. Her courage, intelligence, and dedication made her a symbol of triumph of human spirit over problems of life. As Helen had put it, although, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग इट इज़ also फुल ऑफ ओवरकमिंग ऑफ it. देखिए बॉलीवुड मूवी ब्लैक अगर आपने देखी होगी अमिताभ बच्चन जी हैं उस मूवी में रानी मुखर्जी हैं वो मूवी इन्हीं के ऊपर कही कहीं ना कहीं बनाई गई है उस मूवी में प्रॉपरली दिखाया हुआ है उनकी जाइ चाइल्ड की चीज़ों से लेके उनके ग्रेजुएशन तक की जर्नी वहाँ पे दिखाई गई है ठीक है तो उन्हें एज अ सिंबल लिया जाता है कि अगर वो कर सकती हैं तो नॉर्मल पीपल क्यों नहीं कर सकते हैं ओके सम अप आइज ईयर्स नोस टंग एंड स्किन आर आवर सेंस ऑर्गन्स दे हेल्प अस टू सी हियर, स्मेल टेस्ट एंड फील द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर स्पेशल पीपल देयर बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली वी शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द डिफरेंटली एबल्ड पीपल सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे